नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, हमारे प्रदेश के लिए आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या प्रयास कर रही है, क्या अब तक किए गए कदम पर्याप्त हैं और भविष्य में क्या होना चाहिए, इसी पर आज हमारी डिबेट होगी, जिसमें हम सरकार के प्रयासों, विपक्ष के सवालों और जनता की चिंताओं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले देखिए इस विषय पर संबंधित हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नर्मदा संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में नर्मदा जल को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने की योजनाओं की समीक्षा की गई। जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा घाटी में वृक्षारोपण, मत्स्य पालन और मोती की खेती की संभावनाओं पर विचार हुआ। इसके साथ ही नर्मदा किनारे बसे गाँव के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मोहन यादव की सरकार ने नर्मदा मिशन को प्रदेश के भविष्य से जोड़कर देखने का दावा किया है। सबसे अधिक लंबाई में मध्य प्रदेश में ही माँ नर्मदा का आशीर्वाद मिलता है और उस कारण से हमारा ये हमेशा सदैव हमारी सरकार का ये संकल्प रहा है कि उसका संरक्षण संवर्धन हो और उस नदी किनारे किनारे जो वृक्षारोपण हो, साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी डेवलप हो, किस प्रकार से माँ नर्मदा का जो जल है, जल राशि का किस प्रकार से हम उपयोग करें और उसका विद्युत उपयोग भी कैसे हो, ये सारी चीजों के लिए सरकार कटिबद्ध है और आप देख रहे हैं कि अनेक प्रकल्पों के द्वारा ही प्रतिलक्षित होता है। वही विपक्ष ने नर्मदा मिशन को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार की योजनाएं कागजों पर तो बड़ी दिखती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अवैध रेत खनन, नदी किनारे के गांव में सीवेज की समस्या और औद्योगिक प्रदूषण जैसी चुनौतियां अब तक पूरी तरह से सुलझाई नहीं गई है। विपक्ष का मानना है कि नर्मदा के संरक्षण के लिए सरकार को और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, नर्मदा नदी को लेकर जो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है, हम उसका सम्मान तो करते हैं, मगर वक्तव्य और व्यवहार का जो अंतर है वो अब खत्म होना चाहिए। इंदौर की कान नदी का पानी शिप्रा में डाला जा रहा है, नर्मदा उससे कनेक्ट होती है। इधर आप देखेंगे अगर तो ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। तो जितने सीवर के इनफ्लोज हैं उसको अगर आप रोक लगाएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इच्छा शक्ति का प्रश्न है। सरकार इच्छा शक्ति दिखाए, सकारात्मक पहल में प्रतिपक्ष हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाएगा। एक तरफ जहां सरकार के प्रयासों की सराहना हो रही है तो वहीं विपक्ष ने इसे लेकर सवाल दागे हैं। नर्मदा के समग्र विकास के लिए सरकार को जनभागीदारी, अवैध खनन पर सख्ती, वृक्षारोपण की देखरेख और औद्योगिक प्रदूषण पर ध्यान देना होगा। नर्मदा का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक का दायित्व भी है। मिशन नर्मदा एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन इसके लिए निरंतर सुधार और व्यापक जनभागीदारी आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। तो मोहन का नर्मदा नमन, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी नेता अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। अजय दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, लगातार हम देख रहे हैं कि मोहन सरकार नर्मदा के लिए प्रयासरत है, मुहिम भी चलाई हुई है, जनभागीदारी बढ़ाने का भी प्रयास है, लेकिन अब तक जो कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्या इसे आप काफी मानते हैं या फिर कोई बड़ी रणनीति पर भी सरकार काम कर सकती है? सरकार के प्रयास तो अपनी जगह है, लेकिन माँ नर्मदा अपने आप में जीवन दायिनी नदी मानी जाती है और इसको माँ की तरह पूजा भी किया जाता है और नर्मदा जयंती पे जिस तरह के आयोजन होते हैं वो सभी लोगों ने देखे हैं। इसलिए सरकार तो एक निमित्त मात्र है जो अपनी तरफ से प्रयास करती है। असल में तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के इतने बड़े क्षेत्र में माँ नर्मदा के आशीर्वाद से ही चाहे सिंचाई होती हो, चाहे विद्युत संयंत्र हो, यहाँ तक कि पर्यटन भी मध्य प्रदेश को एक सौगात के रूप में मिला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है कि माँ नर्मदा को उनके गौरव और सम्मान के अनुसार ही सरकार अपनी नीति बनाए, ताकि किसी भी तरह के जो समस्याएं आती है, अभी अवैध वेदी को भी मैं सुन रहा था, अगर कहीं इस तरह की कुछ दिक्कतें आती हैं और कांग्रेस के नेता वास्तविक स्थिति के साथ अगर दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगी तो सरकार उन पर भी काम करेगी। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं
विषय में। हम चाहते हैं कि मां नर्मदा का संरक्षण भी हो और पूर्व में जिस तरह की अवैध खनन जैसी शिकायतें आई उन पर भी सरकार द्वारा रोक लगाया गया। मां नर्मदा के क्षेत्र में किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना हो, यहाँ तक कि मादक पदार्थों पर भी रोक लगाई गई, यहाँ तक कि मांस की बिक्री पर भी रोक लगाई गई ताकि धार्मिक भावनाएं लगातार बनी रहे। साथ ही अब पर्यटन के क्षेत्र में भी संभावनाएं देखी जा रही है। मोती उद्योग की बात देखी गई है कि मां नर्मदा के क्षेत्र में मोती उद्योग हो सकता है जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी लाभ होगा और साथ ही मध्य प्रदेश के निवासियों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसी तमाम संभावनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक ऐसा मिशन है जो आस्था और विश्वास के साथ भी जुड़ा है और मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ भी जुड़ा है। इस सिलसिले में सरकार द्वारा जो कदम किए उठाए जा रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बैठक ली है इसके संदर्भ में, उसमें भी तरह तरह के निष्कर्ष निकले हैं, उन पर भी अमल किया जाएगा और आगामी दिनों में इसके आपको परिणाम भी दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो सरकार लगातार प्रयासरत है स्पर्श जी, लेकिन सरकार के ये जो प्रयास है कितने काफी बतौर विपक्ष आप देखते हैं, क्या कोई खामी आपको दिखती है इन प्रयासों में? तो जैसा कहा गया, सही बात है कि मां नर्मदा हमारी साझा संस्कृति और हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसका बेसिस है, लेकिन सवाल यह है कि हम इस तरीके के मिशन, नमामि गंगे भी था हमारे देश में, हम तमाम नदियों की स्वच्छता को लेकर तमाम सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगले किसी मिशन का ढिंढोरा पीटने से पहले हमने अतीत में क्या अचीव किया इस पर जरूर बात करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर से एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जी, मैं समाधानों पे बात करना चाहूंगी कि अगर हम प्रदूषण दूर करने की बात कर रहे हैं तो एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो आप है नहीं, मतलब नदारद है प्रदेश में। ऐसा नहीं है, जो शिवराज सिंह जी की सरकार थी ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसे शुरू नहीं करवाया, लेकिन इतना धीमा काम हो रहा है। अगर मैं तमाम शहरों की बात करूंगी तो कहीं काम शुरू हो रहा है, 7 साल हो गए, 40 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण आप देखेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो चीज है वो कागज पे ना रहे, अगर शुरू हुई है तो क्यों पूरी नहीं हो रही? इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है या टेक्निकल एरर्स हैं, ऑपरेशनल जो लापरवाहियां हैं इन पे ध्यान दिया जाए, है ना? दूसरी चीज, एनजीटी लगातार नर्मदा के इर्द गिर्द जो प्रदूषण है उसको लेकर डांटे भी लगाती रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे जवाब भी मांगती रही। उदाहरण के तौर पे लास्ट ईयर तीन साल पहले कुछ एनजीटी ने कहा था कि आप हमें ये जो अवैध अतिक्रमण है नर्मदा के किनारे, आप हमें बताइए कि आप 3 महीने में से पूरा करते हैं कि नहीं, आप हमें जवाब दीजिए। अब 3 महीने का 3 साल हो गए, जुलाई 2024 में दोबारा याचिका गई और एनजीटी ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, हम दोबारा बिठाए जा रहे हैं, मतलब दोबारा आपकी हमारी नजर में आप कुछ करेंगे। कलेक्टर्स को जुर्माना डाला गया। तो हमारा सवाल ये है कि अगर हमारी माँ है वो, अगर वो हमारी माँ है तो हम उनकी उनकी संरक्षण के लिए सिर्फ हम धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनके संरक्षण को, उनको बचाने के लिए कुछ जमीन पर अगर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आरती करने से, जो कि हमारी आस्था का प्रतीक है, वो काम पूरा नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अजय जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि हम सिर्फ धर्म की बात करते हैं लेकिन संरक्षण पर जो कदम उठाने जाने चाहिए धरातल पर वो कदम नहीं दिखते हैं? अजय दुबे जी, देखिए, मां नर्मदा के महत्व को आज मोहन यादव सरकार ने बताया और यदि आप गौर करें तो पिछले 21 साल से भाजपा, बीच में 1.5 साल हटा दीजिए, तो जो भी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का वो मां नर्मदा की तारीफ, मां नर्मदा के शुद्धता, प्रदूषण मुक्त और उनके महत्व, इस पे हर कैबिनेट में जब भी, मतलब हर मुख्यमंत्री इस पे बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट के एक भी मंत्री को यदि आमंत्रित किया जाए कि आइए मां नर्मदा का आचमन जल करिए आप, मेरे ख्याल से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कहीं पे भी पूरे मध्य प्रदेश में जल को ग्रहण कर सके और पी सके। जो बिस्लरी की बॉटल पी के कैबिनेट में और शुद्धता पे बात करते हैं, प्रदूषण मुक्त की बात करते हैं, वो यथार्थ से बहुत दूर है। ये मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी का भावनात्मक और एक तरह से संवेदनशील विषय है जिसपे शब्दों के तीर चला के घोषणाओं से सरकार काम करती है। हकीकत ये है कि आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप नर्मदा जी होशंगाबाद नाले आपके वहां पर मिल रहे हैं,
ऐसा कोई भी शहर और ऐसा कोई नगर, ऐसा कोई बता दीजिए नगर पालिका या नगर निगम जिसके नाले नर्मदा जी में नहीं मिल रहे, एक शपथ पत्र ले लें जिलों के कलेक्टर से जी। यदि इतनी, इसके पीछे कारण यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब, अभी चूंकि ज्यादा समय नहीं हुआ लेकिन उनको पुरानी सरकार से सबक सीखना चाहिए कि हमें केवल इस धार्मिक और संवेदनशील विषय पे बोलने से नहीं है, फील्ड पे उतरिए, जहां जो इंडस्ट्री प्रदूषण कर रही है, जहां नगर पालिका असफल है नाले को नर्मदा में मिलने से रोकने से, ठीक है, जहां पर बजट खर्च हुआ उपलब्धि कुछ नहीं है, एसटीपी बन गए हैं लेकिन उनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है जी। ऐसी कई गंभीर हैं, आप चलिए और उनसे बोलिए कि पूरी कैबिनेट कहीं नर्मदा जी में जल ग्रहण करे। मैं देखता हूं कि यदि इतनी ही अपनी सरकार की यदि उपलब्धियों पर भरोसा है तो आइए मैदान में। कि हकीकत ये है कि घोषणा से आगे आना पड़ेगा और जीरो टॉलरेंस जी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान हो जी। उस पर कठोर कार्रवाई करिए। आप जवाब हो गया, ये इतने लंबे समय में हम नर्मदा जी को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाए तो शर्म है। ठीक है, अजय सिंह यादव जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। विपक्ष ने कह दिया कि आपने अतीत में क्या किया, क्या सबक लिया, इस पर भी बात होनी चाहिए। वही सामाजिक कार्यकर्ता ये चिंता जता रहे हैं कि सिर्फ शब्दों के जरिए तीर चलाने से कुछ नहीं होगा बल्कि जमीन पर उतरना होगा। तो क्या फील्ड पर काम नहीं हो रहा है, केवल कागजों पर काम हो रहा है, अजय सिंह यादव जी? देखिए, अजय दुबे जी एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो चाहे माँ नर्मदा के मामले में हो या प्रकृति के मामले में, हमेशा गहन चिंतन रखते हैं और उनके सुझाव गंभीर होते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ उनके सुझावों के हिसाब से हम लोग काम भी करते हैं और इन सुझावों को आगे भी पहुंचाते हैं। लेकिन ये कहना कि सरकार ने काम नहीं किया, ये भी ठीक नहीं होगा। आप अगर देखेंगे मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर और जहां तक माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की सीमा में है, तमाम जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं और माँ नर्मदा में किसी भी तरह के नाले गंदगी ना आ सके, इसके लिए सरकार द्वारा लगातार काम किए गए। यहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्रों के भी जो सीवेज आती थी, जो गंदगी आती थी माँ नर्मदा में, उस पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई। और माँ नर्मदा में स्नान करने की बात है तो नर्मदा जयंती पे सभी लोग करते हैं। इसी तरह की बात उज्जैन में भी आई थी, जहाँ छिपरा के मामले में कहा था तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं छिपरा में स्नान करके दिखा दिया था। तो और किसी की बात नहीं होगी, तो माँ नर्मदा के लिए भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि इतना प्रदूषण हो, लेकिन सुझाव की हमेशा आवश्यकता होती है और हमेशा सुधार होना चाहिए। माँ नर्मदा के क्षेत्र में जिस तरह की संभावनाएं हैं, अब सरकार उन पर काम कर रही है कि पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और साथ में लोगों को रोजगार मिल सके, उस दिशा में भी काम हो सके और वो हमारी प्राथमिकता है और उस दिशा में हम काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात का मुझे समझ में नहीं आता है। ये जब किसी तरह की कमियां बताने के लिए आते हैं तो उसके पूर्व अपने 50 सालों के कार्यकाल में क्या इन्होंने कार्य योजना बनाई उसको सामने नहीं रखते हैं। उसको भी कभी कभी सामने रखना चाहिए, केवल राजनीति करने से तो काम नहीं हो सकता है ना। माँ नर्मदा के क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट के हो, चाहे गंदगी रोकने के हो, वो तमाम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुए। दिग्विजय सिंह की सरकार में तो पूरा प्रदेश भी बंटा था और माँ नर्मदा को भी छननी करना चालू किया तो दिग्विजय सिंह की सरकार ने किया। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को तो इस तरह की बात कहने का अधिकार नहीं बनता है, लेकिन प्रदेश की जनता के प्रति हम उत्तरदायी है और जो भी सकारात्मक सुझाव आएंगे उन पर भी हम अमल करेंगे। कोई राजनीति का विषय नहीं है, सुझाव हमेशा आमंत्रित है और जो भी सकारात्मक सुझाव होंगे उन पर भी काम किया जाएगा। लेकिन सरकार इस विषय में बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ये एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके परिणाम आपको जल्द ही दिखेंगे। ठीक है, इस पर जी का रुक कर लेते हैं, फिर अजय दुबे जी का रुक करूंगा मैं। इस पर जी, आपने सुना कि सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, क्या कोई सकारात्मक सुझाव है विपक्ष की तरफ से जो सरकार तक जाना चाहिए आपके माध्यम से?
इस पर जी देखिए मुझे हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सुझावों के अतिरिक्त एक रेत खनन वाले मामले पे, मैं नर्मदापुरम जिले से आती हूँ जी और ये इस जिले की सबसे बड़ी समस्या है। वैसे तो नर्मदा नदी के तट पे जो अवैध रेत खनन एक समस्या है ही, कि प्रशासन के नाक के नीचे, प्रशासन कितना भी कर ले, और ये मैं समझती हूँ कि उनकी भी अपनी सीमा है क्योंकि अधिकारियों पर भी अटैक्स हो रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं, इतना सर उठा लिया है इस तमाम तरीके के माफिया में, और उसमें से अगर हम रेत माफिया की बात कर रहे हैं कि वो इस तरीके की जो ट्रिक्स खेलते हैं और उनको डर नहीं रहा है। मोटा मोटी आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें वो तो है ही समस्या, डर नहीं रहा है। तो आप रेत खनन के संदर्भ में आपने तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है, सब सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो मेरा सवाल ये है और सुझाव भी है कि सुझाव से ज्यादा सवाल है कि आप ये बताइए कि रेत खनन के मामले में आखिर ऐसा क्या है जो इतने लंबे समय से आपकी सरकार है, मोटा मोटी जो अच्छा खासा हिस्सा आप ही की सरकार ने इस प्रदेश को शासित किया है। तो मेरा सवाल है कि रेत खनन में हमारे प्रदेश की अवैध रेत खनन समस्या क्यों है, क्योंकि रेत खनन से जुड़ी है जल का स्तर का कनेक्शन है ना, उससे जुड़ा है आपका पानी की जो क्वालिटी है नर्मदा नदी की, उसकी जो लिवेबिलिटी है, उसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए। तो अवैध रेत खनन को आप सारा प्रशासनिक अधिकारियों पे जो जिम्मा डाल दिया है वो भी जरूरी है, उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन और आपके पास ऊपर से क्या डिसीजन है, या फिर आप इसमें भी भ्रष्टाचार शामिल है या मिलीभगत शामिल है, ये मेरा एक सवाल है। दूसरी चीज सुझाव के तौर पे मैं ये कहूंगी, नॉट पॉलिटिक्स के नजरिए से बल्कि एक नागरिक के नजरिए से, कि किसी भी धार्मिक इवेंट के बाद जो होता है कि लोग कचरा छोड़ के चले जाते हैं, जो हम जो अवशेष छोड़ते हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की जो एक्शन प्लान्स हैं उनमें जनता का शामिल होना बहुत जरूरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस। वो चाहे किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको जब अपना एक्शन प्लान, जो कि चीफ सेक्रेटरी सर को बहुत पहले कहा गया था, उन्हें बैठकर बनाना चाहिए जिसमें लोगों की भागीदारी, उदाहरण के तौर पर एक ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होगा ये जो जंगल बचाने के लिए। वैसे ही अजय सिंह यादव जी बताइए, क्या इसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान सरकार ने बताया है खनन की, जहां तक बात है धार्मिक आयोजनों के बाद जो वेस्टेज की बात है इसे रोकने के लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं रेत खनन की बात करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रेत खनन के लिए जो नीति अपनाई गई है वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होती है, और जिसमें 5 साल तक के टेंडर होने लगे और सरकार को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो भी कई गुना बढ़ के आया है, अब तो 1500 करोड़ से ऊपर राजस्व मिलने लगा है। तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार द्वारा अवैध रेत खनन को पूरी तरह रेगुलराइज किया गया है। और कांग्रेस की सरकार के दौरान उमंग सिंगार खुले तौर पे कहते थे कि सबसे बड़े रेत माफिया तो दिग्विजय सिंह है, तो दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस के नेता है, और हम भी नहीं कहते थे, आप ही के नेता उमंग सिंगार कहते थे, और यही कहने के बदले उन्हें इनाम में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। तो कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को नियंत्रित करें कि वो अवैध खनन करना बंद कर दें, और मुझे हो सकता है कि हमारी जो प्रवक्ता साथी है कांग्रेस की, उन्हें जानकारी होगी अभी भी दिग्विजय सिंह जैसे नेता अवैध खनन करवा रहे होंगे कहीं ना कहीं अवैध, इसीलिए उन्हें इस बात की जानकारी है। हमारी जानकारी में तो मध्य प्रदेश में कहीं भी खनन अवैध रूप से नहीं हो रहा है। सरकार की जो रेत नीति है वो बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश को राजस्व में भी वृद्धि हुई है और पूरी तरह पारदर्शी ई टेंडरिंग के माध्यम से हुई है, पूरी तरह से सरकार द्वारा रेगुलराइज किया गया है और इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रयास है वो भी स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी चिंता ना करे, बस वो अपने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए जो उन्हें दी गई है, केवल और केवल मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने के लिए झूठ फैलाने का काम ना करे। विपक्ष का काम केवल झूठ बोलना नहीं होता है, अजय दुबे जी कर लेते हैं दायित्व भी निभाए जी। अजय दुबे जी, क्या सिर्फ प्रदूषण कम करने से ही बात बन सकती है, या फिर जब खनन की समस्या है जैसे कि कांग्रेस कह रही है, हालांकि सरकार का कहना है कि खनन तो अभी कहीं नहीं हो रहा है, या आप मानते हैं कि ये समस्या अब भी गंभीर है? अजय दुबे जी, देखिए ऐसा है कि प्रदूषण तो कई, मतलब ये भी कह सकते हैं कि मजबूरी भी रहती है, मध्य प्रदेश 8 करोड़ की आबादी है और इसपे जो संसाधन है वो मतलब उसमें बहुत बड़ी राशि खर्च होती है, तो फेस वाइज प्रोग्राम चलते हैं प्रदूषण मुक्त के। लेकिन हाँ, अवैध खनन की जो बात है वो मैं अजय जी के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि ये तो कलेक्टर्स खुद कार्रवाई करके जब्त करते हैं रेत खनन के मामलों में,
कई जगह नर्मदा जी के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी तो नर्मदा किनारे जैत के हैं, वहां पर कई बार आपने वीडियो देखे होंगे सार्वजनिक हुए, उसकी जांच भी होती है, लोगों के डंपर जब्त हुए हैं, जो मोटर बोट कही जाती है वो उसमें जब्त होती है, मानसून में भी अवैध खनन का चल रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसका जो निदान है वो सालों से चली आ रही समस्या के निदान के लिए आपको जमीन पे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको लोगों के जो डंपर है उनको रासात करना पड़ेगा, लोग जो उपकरण यूज करते हैं उनको रासात करना पड़ेगा। इसके अलावा आप नर्मदा जी में जो आप रेत खनन की अनुमति देते हैं अजय जी, उसकी जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है, उसकी जो शर्तें हैं, उनमें बहुत वृहद स्तर पे वृक्षारोपण होना है, क्योंकि नर्मदा जी का जो जो आसपास की जो भूमि है या वहां पर बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई हुई है जी। हमारा मानना है कि नर्मदा जी का यदि आपको सम्मान करना है तो उसके आसपास के इलाकों में जो प्राकृतिक जो ग्रीन बेल्ट है उसको भी बचाइए। आप वहां पर मतलब भी रेत कर खनन करना है, उसकी जो एनवायरमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है, उस पर भी आप एक्शन लीजिए। इसको एक बड़ा रोड मैप प्लान बनाइए। आजकल सैटेलाइट की व्यवस्था इतनी शानदार हो गई है कि इस पर यह कहा जाता है कि हम अवैध खनन कहीं भी होगा तो हम उस पे जो डंपर हैं, जो वैलिड हैं, जो रॉयल्टी के साथ चलते हैं, हम उनको जीपीएस से जोड़ेंगे। हमारा कहना है कि आप जिला में जो कलेक्टर हैं, डीएफओ हैं, एसपी हैं, इनको टीम बना के टाइम बाउंड आप मौका दीजिए, और यदि कहीं कोई लापरवाही होती है तो एक्शन लीजिए। बिल्कुल, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से चैनलाइज कर रहा होगा सारे कामों को, और जहां पर लापरवाही है वहां पर सख्ती से कार्रवाई भी करनी होगी, क्योंकि सभी का प्रयास होगा, ना पक्ष ना विपक्ष, बल्कि एक जनभागीदारी के तौर पर नागरिक का कर्तव्य भी हमें निभाना है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस समय इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।